बिहार के आरा में एक गर्भवती महिला एक साथ चार बच्चे को जन्म दी। एक साथ चार बच्चे को जन्म देना अपने आप में एक अनोखा मामला है। गर्भवती महिला चार बच्चों को स्वस्थ तरीका से जन्म दी, अब उन्हें पूरे परिवार पालने पोसने में जुट गया है। दरअसल बक्सर जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र के छोटकी नैनीजोर गांव निवासी भरत यादव की 32 वर्षीय पत्नी ज्ञान्ति देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गर्भवती महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों को जन्म की खबर के बाद पूरे भरत यादव के परिवार में खुशी की लहर छा गई। इस दौरान माँ ज्ञान्ति देवी और पिता भरत यादव बेहद खुश दिखे और फूले नहीं समा रहे थे। अब बच्चों के माता पिता चारों बच्चों को मिल करके पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चे के जन्म को लेकर के बच्चे के पिता भरत यादव ने फोन पर बताया कि हमारे पहले से एक लड़का और एक लड़की है। इसके बाद आज ये चार बच्चे पैदा हुए जो सभी लड़के हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद हम लोग काफ़ी खुश हुए थे। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। सुरक्षित प्रसव होने के बाद एक साथ चार बच्चे को पालने पोसने में थोड़ी समस्या तो जरूर आ रही है, लेकिन बच्चों के माँ के साथ मेरा पूरा सहयोग रहता है। इसके अलावा घर के अन्य सदस्य भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। हाँ, माँ के दूध पिलाने में थोड़ी समस्या जरूर आती है, क्योंकि चारों बच्चे कभी कभी एक साथ भूखे होने की वजह से रोने लगते हैं। उस समय थोड़ी समस्या होती है, लेकिन जैसे तैसे संभाल लिया जाता है। बच्चों को सुरक्षित प्रसव के लिए महिला चिकित्सक डॉक्टर गुंजन सिंह और पति डॉक्टर विकास सिंह सर्जेरियन डिलीवरी के जरिए महिला का सफल ऑपरेशन कराया गया था। गर्भवती महिला जब हमारे पास आई थी तो हम लोग को नहीं पता था कि गर्भ में चार बच्चे थे। ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर गुंजन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ही पता चला कि महिला के गर्भ में एक नहीं बल्कि चार लड़के हैं। हमारी टीम ने सफल ऑपरेशन करके महिला के गर्भ से चारों बच्चे को जन्म दिया। महिला चिकित्सक गुंजन सिंह इस सफल ऑपरेशन के बाद काफ़ी खुश दिखी। उनका कहना है कि पहली बार उनके अस्पताल में एक साथ चार बच्चे का जन्म हुआ है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे चारों बच्चा एकदम स्वस्थ है। चारों बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। चारों बच्चा मेरे वाइफ भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब के देख रेख में, मैडम के देख रेख में पूरा मेरा सही हुआ। ठंड का मौसम भी आ रहा है, पालन पोषण में थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा इस बार। हाँ, ये बात सही है। ठंड का मौसम है, इसमें पालन पोषण में करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को। यानी अभी सब कुछ सही है, सब लोग ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ सही है। मतलब किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं, कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सब नॉर्मल? हाँ, अभी सब नॉर्मल है। घर जा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग घर जा रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम भरत यादव, ग्राम पोस्ट छोटकी नैनीजोर, जिला बक्सर से।